हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका सनी जे टेक में। मैं हूं आपका सनी जे। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो आपके पासवर्ड हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। एप्पल की जो प्राइवेसी है वो मेन रीज़न है कि एप्पल इतना सक्सेसफुल ब्रांड है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली जाना है अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप जब जाएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा पासवर्ड का ऑप्शन, और पासवर्ड के ऑप्शन के अंदर आप जब जाएंगे आपको अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड को यूज़ करके या फेस आईडी को यूज़ करके आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों ऑटोफिल पासवर्ड के जस्ट नीचे ही में ही आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी रिकमेंडेशन। सिक्योरिटी रिकमेंडेशन के अंदर आपको बताएगा कि कितने सिक्योरिटी रिस्क जो हैं आपके फ़ोन के अंदर फाउंड हुए हैं, और आपको इसको सेलेक्ट करना है। और जो जो भी पासवर्ड आपके कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। स्पेशली अगर बात करूँ, मेरे को apple.com का जो पासवर्ड है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसमें बता रहा है मेरा फोन। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम मिल जाएगा, आपका पासवर्ड मिल जाएगा, उसके नीचे मिलेगा रीयूज पासवर्ड। और रीयूज पासवर्ड के अंदर दोस्तों आपको बताया होगा कि कौन कौन सी वेबसाइट या एप्स के ऊपर आपने रीयूज़ किया है लॉगिन करने के लिए अपने एप्पल आईडी या फेसबुक पासवर्ड को, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक तरीका। तो अब व्लॉग शुरू किया है तो क्यों ना आपको कुछ और मैं टिप्स बता दूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज़ करेंगी। स्पेशली अगर बात करें कि आप एक वेबसाइट पे ब्राउज कर रहे हैं, आपको पूरे का पूरा वेबसाइट जो है उसको स्क्रीनशॉट में लेके आना है, और एज अ पीडीएफ आपको सेव करना है उसको। उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। आप जो भी वेबसाइट आप ब्राउज कर रहे हैं उसके नीचे आपको मिडल में शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर के ऑप्शन के अंदर जब आप दोस्तों जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा मार्कअप का ऑप्शन थर्ड लास्ट में, और इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लेगा पूरे के पूरे वेबसाइट का। अगर आपको उस वेबसाइट का कोई स्पेशल पार्ट को मार्क करना है तो आप इसको मार्कर को यूज करके मार्क भी कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद में आपको डन करना है। डन करने के बाद में दोस्तों आपको मिलेगा सेव फाइल टू, और इसको जब आप सेव फाइल टू करेंगे तो ये इजीली आप जहां पे भी इसको सेव करना चाहते हैं वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों एक इजी सा तरीका है कि कैसे आप पूरे के पूरे वेब पेज जो आप ब्राउज कर रहे हैं उसको एज ए पीडीएफ में चेंज करके सेव कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। अगर किसी को अगर आपने पॉइंट आउट करना है कोई स्पेसिफिक पॉइंट उस वेब पेज से, तो चलिए दोस्तों बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स के बारे में। स्पेशली अगर बात करेंगे कोई आपको कॉल कर रहा है और आप नहीं चाहते हैं उस कॉल को पिक करना, और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि उसको ये मैसेज आए कि आपने डिक्लाइन कर दिया है, तो उसके लिए आप इजी से कैंसिल कर सकते हैं उस कॉल को। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी क्विक सेटिंग के अंदर जाना है जो आप एक्सेस कर सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर से। अगर आप स्लाइड डाउन करते हैं इसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा एयरप्लेन मोड का ऑप्शन, और आपको जब कोई कॉल कर रहा है आपको सिर्फ अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डालना है। जब अपने फ़ोन को आप एयरप्लेन मोड में डालेंगे तो जो पर्सन आपको कॉल कर रहा है उनको ये मैसेज आएगा कि वो जो कॉल कर रहे हैं वो फेल हो गई है। तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं कोई भी अगर आपको कॉल कर रहा है बिना डिक्लाइन किए हुए। और दोस्तों बात करेंगे कैसे आप टर्न ऑन कर सकते हैं अपने SMS काउंट्स को। स्पेशली अगर आप बात करें कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी SMS जो आप सेंड कर रहे हैं उसका डबल चार्ज हो, तो उसके लिए आप अपने SMS काउंट्स को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप जब जाएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा मैसेज का ऑप्शन। मैसेज के ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कैरेक्टर काउंट का ऑप्शन, और आपको सिर्फ इसको टर्न ऑन करना है। अब आप जब भी अपना मैसेज किसी को लिखेंगे उसके अंदर आपको साथ में मिलेंगे काउंट्स। अबाउट 160 कैरेक्टर्स के ऊपर आपको एक मैसेज का चार्ज किया जाता है। उसके ऊपर अगर आप करेक्टर यूज करते हैं तो आपको डबल मैसेज का चार्ज होता है। तो दोस्तों आप ऐसे सेव कर सकते हैं कि कोई भी जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका डबल चार्ज ना हो आपको। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप के ऊपर जो आपकी प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी या आपका पैसा बचाएंगी। तो आपको अगर ऐसा कंटेंट पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं कंटिन्यू करूँगा इस कंटेंट को। और दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारा ट्रैवल रिलेटेड, टेक रिलेटेड, और तो और दोस्तों यूट्यूब या इंस्टाग्राम के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक के व्लॉग्स भी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और दोस्तों अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज आने वाले व्लॉग्स को आप मिस नहीं करेंगे बेल आइकन को दबाने से।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे चल रहा है कैंपेन, आप में से 1000 लोग जो पहले सब्सक्राइब करेंगे उनमें से एक लकी विनर को मिलेगा फ्लिपकार्ट का 5000 रुपये का गिफ्ट कार्ड। उसके लिए दोस्तों आपको करना है जो साइड में आपको वीडियो दिख रही है, जाके इसके ऊपर सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना है कि आप इस गिफ्ट कार्ड को किसके लिए यूज़ करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आए हुए कमेंट्स को हम यूज़ करके लकी विनर को इंस्टाग्राम के लाइव के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा आने वाले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।